नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं टी टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। सरकार की अनुमति के बाद धार्मिक स्थल खुलते ही दरगाह में भी फिल्मों से जुड़े कलाकारों का आना शुरू हो गया है। इसी के तहत मशहूर पंजाबी सूफी गायक गुलशन खान ने जियारत की। अजमेर मान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह लॉकडाउन के बाद खुलते ही अकीदतमंदों का आना जाना शुरू हो गया है। आज गरीब नवाज की दरगाह में मशहूर पंजाबी सूफी गायक गुलशन खान, जो कि खान नाम से काफ़ी चर्चित हैं, अपनी टीम के साथ आए। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद नादिर अली शाह ने जियारत कराई। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम की मनोकामना थी कि यहाँ आऊँ, जब बुला लिया तो आना पड़ा। बहुत बार बनता था कैंसिल हो जाता था। अभी फिर बोला कि आ जा, नहीं फिर देख लेना, मैं बाप हूँ तुम्हारा। तो इसलिए हम सभी आए, मेरे साथ मेरे भाई आए हैं, आतिश, गायक भाई अक्रम, सभी आए हैं, कर्म, नादिर शाह जी ने हमें दर्शन कराए हैं। बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। बहुत बातें थी जो बोलनी थी, आज बोली गई हैं। बाबा जी ना अकबाल ही बहुत मशहूर है, वो गा देता हूँ मैं, ठीक है जी। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रेंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रेंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रेंदे। दुआ मारल करो सखिया, किते मुर्शद ना रुस जावे। जिन्ना दे पीर रुस जांदे, ओ जांदे जी मरे रेंदे। मैं लज पाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रेंदे। थैंक यू। ट्राई कर रहे हूँ, अभी शूट है, बस जाकर पंजाब में करना है, तो जल्दी आएगा। कितने सालों से आपको संगीत का रुझान रहा? वैसे तो चल रहा है 12-14 साल का। और दुनिया में पहचान। सांकेतिक हड़ताल के आह्वान के बाद भी अजमेर में मिलाजुला असर देखने को मिला। व्यापारियों के एक धड़े ने स्टॉक सीमा तय करने का स्वागत किया। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के आह्वान के बाद भी अजमेर में हड़ताल का मिलाजुला असर देखने को मिला। ब्यावर रोड स्थित बड़ी मंडी के व्यापारियों द्वारा मंडी को खोले रखा गया। व्यापारियों के एक धड़े ने स्टॉक सीमा तय करने के फैसले का भी स्वागत किया। जो है राजस्थान जो बंद का जो आह्वान बाबूलाल गुप्ता ने किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। इसको देखते हुए आम गरीबों का भला हुआ है। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो कानून लागू किया, ये बिल्कुल सही है, जिससे आम पब्लिक को मतलब 20 रुपए किलो की दालें सस्ती हुई है एक हफ्ते में। इसलिए मैं तो कहता हूँ इसको स्टॉक लिमिट को मैंने बर्बाद 1000 क्विंटल ही कर देना चाहिए, और रिटेल के लिए 50 क्विंटल बहुत है। अगर तेल के ऊपर भी स्टॉक लिमिट लगाती है तो आम पब्लिक को 500 रुपये टीन में तेल कम मिलेगा। मैं तो राज्य सरकार से निवेदन करूंगा और केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि तेल के भाव भी मध्य करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई जाए। 2 वर्ष पूर्व ऑनलाइन मोटरसाइकिल बेचने पर मोटरसाइकिल मालिक के साथ धोखाधड़ी कर 50,000 रुपये ऐंठने के मामले में अलवरगेट थाना पुलिस ने मथुरा जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन मोटरसाइकिल बेचना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। अलवरगेट थाने के उपनिरीक्षक दातार सिंह बेड़तिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पालबिचला निवासी व्यक्ति ने ओएलएक्स पर अपनी मोटरसाइकिल बेची थी। इस संबंध में 4 आरोपियों द्वारा 50,000 की ठगी की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। एक अभियुक्त को मथुरा जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। महेंद्र सिंह कुशवाहा निवासी पालबिचला थाना जयपुर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जिसको मेरे को बेचना था, जिस पर मैंने ओलेक्स कंपनी पर ऐड दिया, जिस पर मेरे पास मोबाइल नंबर से फ़ोन आया
कि मेरे को मोटरसाइकिल खरीदनी है, मैं सीआरपीएफ जैसे यूट्यूब के अंदर सिपाही में पहुँचते हैं और मेरे जैसलमेर में पहुँचते हैं, मेरे बच्चे के लिए मोटरसाइकिल थी। इस पर उसने कहा कि ठीक है, और तो उसने कहा कि मैं आपको पैसे भेज देता हूँ कुछ पैसे एडवांस, तो आप अपने एटीएम की फ़ोटो मेरे को भेजो, जिस पर मैंने फ़ोटो भेज दी, जिस पर झांसा देकर के 5 बार टुकड़ों में उसके 50,000 रुपये कट गए, उसके साथ धोखाधड़ी, उस पर थाना धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके अंदर पूर्व के अंदर कासम खान निवासी तिजारा अलवर, खलील अहमद सदर अलवर और मनीष जाटव मथुरा, इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका था। एक कुसुम नामक औरत थी जिसकी अग्रिम जमानत हो गई थी, जिसकी अग्रिम जमानत बंद की गई थी, जिस पर पूर्व में पैसों से खरीदा गया एक मोबाइल 20,000 का जब्त किया जा चुका, और एक शेष आरोपी जिसके खाते में पैसे गए थे, हासिम खान सनो मुन्ने खां पठान, उम्र 24 साल, निवासी आगरा यूपी, इसको गिरफ्तार होना शेष था, जिसको अभी पता चला कि ये मथुरा की जेल में बंद है, जिसको प्रोग्रेसिव नाम का आज इसको मथुरा जेल से ले गए हैं, जिसको यहाँ मुकदमा आगे में गिरफ्तार किया गया है, और इसके अंदर अग्निम अनुसंधान SHO रामगंज श्री नेगी जी कर रहे हैं, और उसको अभी मुलजिम को न्यायालय में। अजमेर विकास प्राधिकरण में भूमि आवंटन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक में भूमि आवंटन के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अजमेर विकास प्राधिकरण में भूमि आवंटन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सब सेंटर के अलॉटमेंट और AVNL के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव रखे गए। इस बैठक में नगर निगम की ओर से कॉलोनी हस्तांतरण के भी प्रस्ताव रखे गए। ADA कमिश्नर अक्षय गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है, स्वीकृत होने पर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। आज 20वीं मीटिंग थी प्राधिकरण की, तो जिसमें मेन मुद्दे तो एक तो अलॉटमेंट के काफ़ी सारे थे, सब सेंटर के हैं, लगभग 7 जगह तो सब सेंटर के अलॉटमेंट है, फिर AVNL के लिए लैंड अलॉटमेंट का था, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जो अन्य डिपार्टमेंट को अलॉटमेंट के थे, तो वो सारे अलॉटमेंट किए गए हैं। इसके अलावा एक अर्लियर जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे, जो पेमेंट जो हो रखे हैं उसमें, जो इनसे प्राधिकरण से अनुमति जो लेनी होती है, वो सभी मैटर थे। फिर नगर निगम की तरफ से भी 2-3 मैटर उनके द्वारा रखे गए हैं कॉलोनियों के हस्तांतरण और संबंधित, उन पर भी चर्चा की गई और इनको अगली बैठक में फिर निस्तारण हेतु रखा जाएगा। पुष्कर में जो रिसोर्ट सूरज प्राइस का डिसीजन लिया गया है, सूरज कुंड की ये होकरा की लगभग 4,900 के अराउंड ये रिजर्व प्राइस आई है, और इसी तरह से जो सूरज कुंड का है उसमें जो फार्म हाउस और इकोलॉजिकल ये इकोलॉजिकल हाउसिंग है उसमें 1560 के लगभग, और रिसोर्ट के लिए 3100 के लगभग रिजर्व प्राइस डिसाइड की गई है, उनको भी अनुमति कर दी गई। अब इसमें रेरा रजिस्ट्रेशन करा के उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। तो अब ये प्रस्ताव जो भी अलॉटमेंट हुए हैं प्राधिकरण से अनुमति के बाद, ये सारे प्रस्ताव भेजे जाएंगे राज्य सरकार को, उनकी अनुमति के पश्चात वो फाइनलाइज होते हैं। ये मुख्यमेंट और ये सभी मुद्दे थे, सबसे मेन तो हमारा रिजर्व प्राइस का डिसीजन करवाना था सूरजकुंड और होकरा के लिए, और दूसरा लैंड अलॉटमेंट, ये दो मेन मुद्दे थे जिसके लिए बैठक का किया गया था, उसके साथ अन्य मुद्दे भी थे जो उनको भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन प्राइम टाइम में माधवी स्टीफन के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।